पुरी श्रीमंदिर रे कोविड कटकणा लागू करबा नि पुलिस रो मॉक ड्रिल एसपी को नेतृत्व रे कोविड कटकणा को जांच करा जाउची। श्रीमंदिर भीतर दर्शन समय रे सामाजिक दूरता रक्षा सानिटाइजर व्यवहार पार्श्व देवादेवी को स्पर्श न करबा पई परामर्श दिए जायछि। के संपर्क रे अधिक सूचना देबा को आम सदा सीधा सलक जोड़ी होइछंती आम पुरी ब्यूरो हेड प्रद्युम्न साथुआ। प्रद्युम्न, संक्रमण जोड़ी भाव बढ़ुची, 791 नुआ पॉजिटिव गत 24 घंटा रे चिन्हट होइछंती एवं पुरी कथा जदि देखिबा पुरी रु 43 संक्रमित चिन्हट होइछंती। तेणु किभली भाव रे पूरा स्थिति रहिछे जदि पुरी रे हम देखिबा एवं श्रीमंदिर रे जोटिकि प्रतिदिन एते संख्या रे भक्त माने आसुछंती सेठारे किभली सामाजिक दूरत्व रक्षा करा जाय पारिबो, कोविड कटकणा पालन करा जाय पारिबो, ता उपरे किमिति गुरुत्व दिया जाउछि। देखु सुनीता, ये जो प्रकार कोविड संक्रमण बढ़ुच्ची गोटे चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि कर सारे और विशेषकर पुरी में आक्रांत संख्या गत 3-4 दिन भितर जो भाव में हू हू बढ़ुच्ची से निश्चित भाव वर्तमान प्रशासन वर्तमान अंटा भिड़ी कि संक्रमण रोक जापर एवं विशेषकर आप देखिए जदि मंदिर भितर संक्रमण बेसी बढ़िबार संभावना रही से आज सकाळु पूरी एसपी आसी पहुँची और पूरा मॉक ड्रिल कर एसपी वर्तमान उपस्थित अच्छा आम पूरा दृश्य देखा चाहिए जे एसपी विश्व विशाल कन्वर विशाल सिंह से मैं पहुँची से वर्तमान विभिन्न स्तर में किभली भाव में वर्तमान संक्रमण को रोक जापर श्रीमंदिर भितर एवं किभली भाव स्थिति रही तार मत मॉक ड्रिल करते सामाजिक दूरता रक्षा पर विशेष गुरुत्व दि जाइला। आउ गोटे कथा हूँ जेहेतु श्रीमंदिर भितर जो सेवायत मैंने अच्छा से संक्रमण सामना करपारती प्रकार स्थित रही तेनाली को दृष्टि रखी वर्तमान पूरी जिला पुलिस पक्षर विशेष भाव आरंभ कर कटकणा और श्रीमंदिर भितर जो कोविड कटकणा गुड़िक पालन करा कथा ता जेहेतु गत किसी दिन धरी ठीक भाव पालन करना से एसपी आज निजे तदारख कर सीधा साल प्रतिक्रिया जानवाक चाहिए आपड़ जानते मान्यवर मुख्यमंत्री आदेश पूरा स्टेट रे आज ड्राइव स्टार्ट होमर डीजीपी साइड रू भी पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन आसके आम पूरा जिले में आज स्पेशल ड्राइव 10 डेज स्टार्ट हो आरंभ आम करुचु पूरी टाउन रू और स्पेशली जो डिवोटीज आसमें सेंसिटाइज करुचु अवेयरनेस ड्राइव करुचु और जो मैंने डिफॉल्टर अच्छा पेनालाइज करुचु आपण माध्यम रे समस्त को रिक्वेस्ट करी कि कोऑपरेट करंतु पुलिस सांगरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर समस्त ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि एबे टिके हमको एनफोर्समेंट करबा को पड़िबो समस्त को इंश्योर करबा को पड़िबो कि हमें समस्त केमती पालन करेंगे केमती मास्क पिंधिबे केमती सोशल डिस्टेंसिंग रखिबे बारंबार हाथ धोइबे तापई हमारा स्पेशल ड्राइव आजिरु स्टार्ट होछ देखु जिता पसिबल सोशल डिस्टेंसिंग रखा कथा से समस्त को रिक्वेस्ट कर रखुचु जो जो मास्क मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी मास्क पिंधा कथा बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल जो हमें करी पारिबा सेता हमें समस्त को रिक्वेस्ट करुचु हमें बाहर जेता बेस्ट पॉसिबल हमें एनफोर्समेंट करुचु अपन देखि चंती हमें धन्यवाद देउचु समस्त को किसी पुलिस संगरे कोऑपरेट करचंती भीतर भी हमरा एनफोर्समेंट चली छी भीतर भी हमरा सेंसिटाइजेशन चली छी हमें आशा करुचु कि क्योंकि एथे बहुत भारी मात्रा रे डिवोटीज असंती तो मैक्सिमम हमें जो फोकस करुचु पुरी रे सेता हमें टेंपल चारद्वारी रे जो डिवोटीज असंती ताको फोकस करुचु। सर रविवार को छाडी कि आउ को सप्ताह को दिन बंद होबा योजना सर हिलानी से तो पॉलिसी लेवल डिसीजन अच्छी जिते बेले निया जीवो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज साइड रू सेटा आपन को जणा फोर्स डिप्लॉयमेंट केमते रही छि श्रीमंदिर भितरे बाहरे एवं विशेष कर समुद्र कूल रे हमरा स्पेशल कोविड पाई जो हमें मंदिर परिसर फुट अपन जो फुट होल्डिंग एरिया अच्छी बाहर सेट अच्छी ता पाई स्पेशली 3टा टीम एट ए टाइम हमें करूचु जो माने से माने अवेयरनेस करिवे और एनफोर्समेंट करिवे जते गोटे 2 दिन भितर हमें और अवेयरनेस ड्राइव को भी हम करे और इंटेंसिफाई करिवो अपन देखिवे स्पेशल हमरा सिंहद्वार आईएसी को दायित्व दिया है और सीनियर ऑफिसर सिटी डीएसपी ताको मॉनिटरिंग करिवे हमें आशा करचू के प्रॉपर एनफोर्समेंट और सेंसिटाइजेशन रे हमें डिजायर्ड रिजल्ट पाई परिवा। पूरी के आसी जों जो भक्त माने किबा पर्यटक माने ताको कोन परामर्श देबे कारण जो प्रकार कोविड बढु छि आज 42 रे पहुंचि छि अपन कोन परामर्श देबे जो माने आसो समस्त को हमरा ए रिक्वेस्ट अछि के हमें को बेस्ट पॉसिबल प्रिकॉशंस नेबार अछि जो माने प्रिकॉशंस नेबे ताको हमें धन्यवाद देबो जो माने डिफॉल्टिंग हेबे ताको हमें स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन करिवो। थैंक यू सर।
ଦେଖୁଥିଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିର ପୋଲିସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରୁଛି, କେହି ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଆଇଡଲକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାର ବନ୍ଦ କରି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ପୁରୀର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ନୋ କୋଭିଡ୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଆସିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି କୋଭିଡ୍, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା କଟକଣାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଗହଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, କହୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ରହୁଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁ ଆବିଶ୍ରୁତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।